व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो गाइस आज मैं हूँ माइनक्राफ्ट में, और गाइस आज मैं खुद से एक मॉड पैक बनाने वाला हूँ जो कि भाई बहुत स्पेशल होगा। वो मॉड पैक मैं खुद से बनाने सीख गया हूँ, और कोई बेकार मॉड पैक नहीं, एक स्पेशल मॉड पैक। मैं माइनक्राफ्ट के कुछ चुनिंदा मॉब्स को लेने वाला हूँ और उसको कन्वर्ट करने वाला हूँ कार्टून्स में, और कुछ ऐसा वैसा कार्टून नहीं, भीम ऑगी एक्सेट्रा ऐसा कुछ करने वाला हूँ। और आप लोग भीम ऑगी को तो जानते ही होंगे भाई, बहुत पॉपुलर है। भीम को लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऑगी को कॉकरोचेस बहुत पसंद है। और हाँ, ये रहा आपका सवाल, ये कौन सा मॉब है माइनक्राफ्ट का, बताओ कमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब कर देना, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले मॉड बनाने वाला था भीम का, जो भाई बहुत प्यारा भीम है। और जितना मैंने सोचा था भीम को बनाना आसान होगा, उतना ही हार्ड निकला भाई, क्योंकि मेरे को लगा था कि गूगल में भीम का स्किन मेरे को आसानी से मिल जाएगा, पर अफसोस भाई नहीं मिला मेरे को। तो फिर मेरे को एक स्किन मिलता है गूगल में, जो कि भाई वो उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे को उससे काम चलाना पड़ता है। और मैं सोचता हूँ उसको कस्टमाइज किया जाए खुद से, मैं उसको खुद से कस्टमाइज करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो फिर मेरे को मिला ये वाला स्किन, बिल्कुल सलमान खान की वीएफएक्स वाली बॉडी लग रही है भाई। हाँ, तो फिर मैं इसको कस्टमाइज करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर देख लो, लंगा दिख रहा है यहाँ पर भीम। और पहले तो मैं इसका बाली बनाने वाला हूँ, जो सोना का बाली पहनता है ना भीम हाथों में, जो कि इसके पास नहीं था, तो वो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। कुछ ऐसा बनाता हूँ, और फिर इसको थोड़ा शेडिंग करूंगा, थोड़ा सा लाइट कम करके इसमें शेडिंग करूंगा। ये देख लो कुछ ऐसे प्रकार से, और सिर्फ आगे के हाथ से नहीं करना है मेरे को, सारे चारों तरफ से करना है। माइनक्राफ्ट में डिब्बा है भाई, तो चारों तरफ से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसके जो माला रहता है भीम का, माला रहता है ना सोना का, वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर मैं यहाँ पर रेड से कवर करता हूँ, और बीच का हिस्सा ढूंढ लेता हूँ, और वहाँ पर एक सोना का बाली लगा देता हूँ। बाली नहीं बोलेंगे भाई इसको, माला बोलेंगे। और फिर जो रस्सी होता है उसको मैं थोड़ा सेटिंग टाइप से करूँगा। और ये देख लो, यहाँ पर कुछ ऐसा रेडी हो गया है हमारा भीम। और मैं यहाँ पर चारों हाथों, मतलब चारों तरफ से हाथ में यहाँ पर बाली पहनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई बाली गोल लगेगा ऐसे, इसलिए मैं यहाँ पर चारों तरफ से करने वाला हूँ। ये देख लो भाई, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़े टेक्सचर्स डाले जाए, थोड़े मोड़े डिटेल्स डाले जाए, तो मैं इसके हेयर में डिटेल्स डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ अलग उसका अलग लेके, जैसा बाल में कलर है भाई वो तो सेम है जैसे भीम का होता है, तो वहाँ पर मैं थोड़े मोड़े टेक्सचर यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये देख लो, आप लोग को शायद विजिबल होगा, तो वहाँ पर देखो मैं थोड़े मोड़े टेक्सचर डाल रहा हूँ बाल में, जिससे थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा और अच्छा लगेगा भीम का स्किन। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ इतना रेडी हो गया है, और भीम का बॉडी अभी तक है जिसको मैंने अभी हटाया नहीं है, हटाऊंगा बाद में। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी आईब्रो डाल दूँ, क्योंकि भीम का यहाँ पर आईब्रो है, पर ये वाला स्किन में आईब्रो नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेडिंग कर दिया हूँ आईब्रो की जगह, जिससे लग रहा है कि भाई इसके पास आईब्रो है, और यहाँ पर भीम लगना स्टार्ट हो गया है। जो हमारा रियल वाला भीम है उसके सिक्स पैक कैप्स तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर वो सब हटा दिया हूँ, और जैसे कार्टून में दिखाया जाता है वैसा ही मैं यहाँ पर करूंगा। भीम के ऊपर एक लाइन रहती है उसके पेट के पास में, जो मैं बना दिया हूँ शेडिंग के द्वारा। और यहाँ पर थोड़े मोड़े और डिटेल्स डाल के यहाँ पर भीम देखो कुछ ऐसा दिखने लगा है हमारा। तो मैंने भीम को बना लिया था, और उसका मॉड भी बना लूंगा मैं आसानी से। अब भाई टाइम था ऑगी का, अब मेरे को ऑगी का स्किन बनाना था। ऑगी का स्किन मेरे को अच्छे से गूगल में मिल गया था, ऑगी का अच्छा वाला स्किन मेरे को गूगल में मिल गया था, पर मेरा मन फिर भी नहीं बोला, मेरे को लगा कुछ उसमें कस्टमाइज करना चाहिए, तो मैं उसको ले आया। और जो कार्टून है ना उसमें ऑगी पेट थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर मैं उसका पेट थोड़ा छोटा कर दिया, और बस। हाँ, तो अब टाइम था ये दोनों का मोड बनाने का। तो यहाँ पर मैं मोड मेकर में आ गया था, जो ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और मैं इससे मोड बनाने लगा भाई। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने की, नाम वगैरह डाला, और माइनक्राफ्ट में एंटर करवाया। A few moments later. और फिर मैं जब ये मोड पैक लेकर खेल रहा था, अफसोस भाई ये काम नहीं किया, और भीम कुछ ऐसा लग रहा था जो कि बहुत बेकार लग रहा था। और मेरे को अब मेरा गलती समझ में आया कि मैंने भीम का साइज बढ़ा दिया था। ये देखो मेरे से भी लंबा दिख रहा है ये, तो मेरे को भीम का साइज नहीं बढ़ाना था, और जॉम्बी की जगह में भीम को नहीं डालूंगा मैं अब। तो फिर मैंने दो तीन ट्राई और किए, और फिर ये हुआ। सो गाइस, जो मैं भीम मोड बनाया हूँ अभी, वो मैं ये वर्ल्ड में लगा दिया हूँ, और मैं भीम को विलेजर्स की जगह रखा हूँ भाई, जो बहुत अच्छा है। जो विलेजर्स की जगह भाई होंगे स्पॉन भीम, विलेजर की जगह होने वाले है स्पॉन भीम, यानी कि विलेजर की जगह आ जाएंगे छोटा भीम भाई, वो लड्डू भी खाएंगे, और मेरे बगल में एक विलेज भी है, वहाँ पर शायद भीम स्पॉन हुए होंगे, तो जाके मैं देखने वाला हूँ।
और ओगी को भी मैं माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में डालने वाला हूँ, कोल मॉब की जगह डालूंगा। वो भाई बहुत सरप्राइज मॉड है, मॉड नहीं मॉब है, यानी कि बहुत एकदम मस्त मॉब की जगह मैं ओगी को डालने वाला हूँ। वो लास्ट सीजन वीडियो देखना, आप लोगों को पता चलेगा और फिर आप लोग बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। अच्छा सो गाइस देखो यहाँ पर है विलेज में, यहाँ पर जल्दी से दौड़ के जाता हूँ भाई, मेरे को बेसब्री हो रहा है भाई, यानी कि मेरा वेट नहीं हो रहा भाई। मेरे को जल्दी से देखना है कि विलेजर्स की जगह भीम कैसा लगेगा और वो क्या कर रहा होगा। यहाँ पर मैं आ गया हूँ विलेज में अभी तक, नहीं उधर उधर देखो, उधर देखो छोटा भीम मेरे को दिख रहे है, जैसा मैं छोटा भीम बनाया था एकदम वैसा ही लग रहा है भाई। लड्डू खाएगा तू? वाओ ये देखो भाई एकदम छोटा भीम लग रहा है, मैंने इसका स्किन थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। और ये देख लो भाई छोटा भीम है यहाँ पर, इन लोगों का मैं लड्डू भी बना सकता हूँ, छोटा भीम लड्डू भी खाएंगे। और यहाँ पर विलेजर्स की जगह यहाँ पर स्पॉन हुए है छोटा भीम भाई, क्या लग रहे हैं। इनकी धोती देखो, वो सोना का चीजें देखो जो मैं बनाया हूँ, और यहाँ पर देखो इसका शक्ल। हेलो छोटा भीम, बड़ा क्यूट लग रहे हो भाई, एनिमे वाली आंखी है इसकी। आंखें तो मैं नहीं बनाया हूँ, मैं थोड़ा इधर इधर कस्टमाइज किया हूँ, और माइनक्राफ्ट डब्बा वाला गेम है तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। जैसे गांव वासी अपने गांव में घूमते हैं वैसे ही भीम यहाँ पर घूम रहा है। अभी जाकर टुनटुन मौसी के लड्डू खाएगा, चुटकी के भी लड्डू खा लेना। तो अब मेरे को डालना है ओगी को इन माइनक्राफ्ट, चलो उसको रिमोट पैक बना के आते हैं। हाँ तो गाइस मैंने ओगी को भी यहाँ पर माइनक्राफ्ट में डाल दिया है, और ओगी ना कहीं ऐसा वैसा जगह नहीं पाया जाता है, ओगी पाया जाता है केव्स में। मैंने ओगी को ऐसा डिजाइन किया है वो कि वो केव में स्पॉन होगा और केव में ही स्पॉन होगा और केव में ही रहेगा। एक ओगी हंसी मजाक करने वाला एक करेक्टर है, तो इसीलिए मैंने उसको कोई ऐसा चीज नहीं बनाया कि वो मेरे को मारेगा। और फिर मेरे को एक केव मिला, और फिर वहाँ वो मेरे को बहुत सारे ओगी देखने को मिल गए, जिसको मैंने ज़्यादा तो कस्टमाइज नहीं किया है, गूगल से स्किल निकाला है थोड़ा मोड़ा कस्टमाइज कर दिया, और फिर इसको केव में सेट करके केव में स्पॉन करवा दिया। और ये देखो जब भी मैं माइनक्राफ्ट खेलूँगा ये मेरे को केव में ही दिखाई देंगे, और मैं सारे के सारे जितने भी माइनक्राफ्ट मॉब्स हैं सारे के सारे को सबको मैं कार्टून्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कार्टून में कन्वर्ट कर दूंगा। और ये देखो भाई यहाँ पर ओगी कितना प्यारा लग रहा है भाई, यहाँ पर तो बहुत सारे ओगी है, यहाँ पर भी ओगी है, यहाँ पर देख लो कितने सारे ओगी है। और ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया भाई, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में, और आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा इतने सारे ओगी देख के, और इतने सारे मस्त ओगी। और मैंने भीम को भी यहाँ पर माइनक्राफ्ट में डाला विलेजर्स की जगह में, और यहाँ पर केव्स में मैंने ओगी को डाला एक नया एंटिटी बना के, तो यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं ओगी और भीम। और बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मॉब को मैं कन्वर्ट करके क्या बनाऊँ। मैं पिकाचू बना सकता हूँ, चारिस्टर बना सकता हूँ, और भी जितने भी मॉब्स हैं। हाँ तो गाइस आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना तो जोर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना। और गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।